नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हो कि Xiaomi का MIUI 11 इंडिया में रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है कुछ डिवाइसेस के अंदर। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके डिवाइसेस में अभी तक MIUI 11 का प्रॉपरली अपडेट देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों, इस MIUI 11 के बाद आपको काफी सारे टॉप हिडन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास अभी तक फर्स्ट अपडेट मिल चुका है और फर्स्ट अपडेट के बाद काफी सारे लोगों को बस आपको यूनिक फीचर देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि MIUI 11 के टॉप फीचर्स, जो कि A to Z आपको टॉप हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको सभी डिवाइसेस में देखने को मिलने वाला है आफ्टर सक्सेसफुली पब्लिक अपडेट रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टॉप फीचर्स बताने वाले जो कि आपको मिलने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वैसे तो MIUI 11 के बाद काफी सारे आपको हिडन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने सारे फीचर्स बताए जो कि पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है चैनल पर। अगर आपको देखना है तो सारे वीडियो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बस टॉप फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि यूनिक फीचर्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस OS के बारे में। तो इस OS के यहाँ पर जो यूनिक डिजाइन दे सकते हैं, काफी आपको बेटर यूनिक डिजाइन देखने को मिल चुका है। आपको एक रीडिजाइन आइकॉन पैक्स देखने को मिल चुका है, आपको एक लेटेस्ट फोन स्टाइल देखने को मिल चुका है। एंड बात करेंगे एप्लीकेशन की, जो ऐप वॉल्ट है, ऐप वॉल्ट में आपको जो यूजर इंटरफेस है, काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ऐप वॉल्ट में भी चेंजेस आ चुका है। साथ में दोस्तों, जो डिजाइन है, आपको एक रीडिजाइन यूनिक डिजाइन देखने को मिल चुका है इस MIUI 11 के बाद। तो जैसे कि Xiaomi ने कहा था कि एक यूनिक डिजाइन रहने वाला है, उसी तरह से एक यूनिक डिजाइन प्रोवाइड किया गया सभी Xiaomi के डिवाइसेस के लिए। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नोटिफिकेशन पैनल्स की। तो नोटिफिकेशन पैनल में ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ सेटिंग्स के शॉर्टकट्स ऐड किए गए, जैसे कि मी शेयर का एप्लीकेशन, जो कि एक क्रॉस शेयरिंग का एप्लीकेशन, जो कि रियलमी, ओप्पो, वीवो जैसे बाकी डिवाइसेस में इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग। एंड कनेक्शन शेयरिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मी शेयर। तो मी शेयर की मदद से आप आसानी से अपने फोन का जो भी डेटा है, मतलब कि फाइल्स है, ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे कि बाकी डिवाइसेस में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स इस बार Xiaomi की तरफ से रिलीज किया गया सभी टाइप्स के Xiaomi के डिवाइसेस के लिए। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स, मतलब कि नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मिल चुका है बैटरी एंड परफॉर्मेंस में। तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाने के बाद कुछ लोगों को फर्स्ट अपडेट के बाद सिर्फ और सिर्फ यूनिक फीचर्स, जैसे कि बैटरी सेवर्स एंड UIF में चेंजेस देखने को मिल चुका है। लेकिन आने वाले सभी अपडेट के बाद आपको जो कि अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर है MIUI 11 अपडेट के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस फीचर के जरिए अपने फोन के अंदर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी, ज्यादा लॉन्ग टाइम आपको बैटरी पावर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स है, जो कि अलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स है, जिसके हम यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले बोल सकते हैं। और दोस्तों, अलवेज ऑन डिस्प्ले मतलब कि एम्बिएंट डिस्प्ले के जो फीचर्स है सभी Xiaomi के फोन्स के लिए पर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो फीचर्स है सिर्फ और सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले मतलब कि एमोलेड स्क्रीन वाले फोन्स के लिए पर एप्लीकेबल है। जैसे कि Redmi K20, Redmi K20 Pro जैसे फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस में एम्बिएंट डिस्प्ले के जो फीचर्स है काफी यहाँ पर हेल्पफुल एंड प्रॉपरली वर्क होता है, क्योंकि दोस्तों उन्हीं डिवाइसेस के लिए पर जो फीचर्स है प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, अलवेज ऑन डिस्प्ले के जो फीचर्स है MIUI 11 के बाद आपको Redmi K20, K20 Pro जैसे डिवाइस में आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे चार्जिंग एनिमेशंस। तो अगर के पास Redmi K20 या फिर K20 Pro जैसे फ्लैगशिप लेवल के फोन्स है, मतलब कि AMOLED स्क्रीन फोन्स के अंदर आपको AMOLED चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी आपको कस्टमाइजेबल चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आपको तीन तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं पार्टिकल्स एनिमेशंस, उसके बाद आपको ब्लू कलर से एंड रेड कलर से, जो कि देखने में काफी आपको अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, काफी शानदार फीचर्स है अलवेज ऑन डिस्प्ले एंड आपको AMOLED स्क्रीन एनिमेशंस मतलब कि चार्जिंग एनिमेशन ओनली फॉर AMOLED स्क्रीन वाले फोन्स मतलब कि Redmi K20, K20 Pro जैसे फोन्स में प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मिल चुका है नोटिफिकेशन पैनल्स में। डार्क मोड का क्विक शॉर्टकट्स आपको नोटिफिकेशन पैनल में प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों, जो डार्क मोड का जो फीचर्स आपको बेटर डार्क मोड प्रोवाइड किया गया इस बार MIUI 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। जैसे कि आप जाकर देखेंगे डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद डार्क मोड को एक्सेस करने के बाद आपको काफी सारे कस्टमाइजेबल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों, इस डार्क मोड का आसानी यहाँ पर शेड्यूल भी रख सकते हैं, मतलब अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए डार्क मोड ऑटोमेटिकली इनेबल करना है तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल के लिए डार्क मोड जो फीचर्स इनेबल कर सकते हैं। और इस बार Xiaomi ने आपको काफी बेटर डार्क मोड प्रोवाइड किया गया, जिसके जरिए अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी डार्क मोड एक्सेस हो जाता है, मतलब कि एप्लीकेबल हो जाता है। और दोस्तों, इस MIUI 11 अपडेट के बाद जो डार्क मोड का फीचर मिल जाता है ओनली फॉर एंड्रॉइड पाई बेस्ड डिवाइसेस के लिए। और अगर आपके पास एंड्रॉइड नॉगट बेस्ड या फिर एंड्रॉइड ओरे बेस्ड डिवाइस है, तो उन डिवाइसेस में आपको शायद ये जो फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मिल
चुका है कैलकुलेटर में, जो कि हम इसको फ्लोटिंग कैलकुलेटर या फिर पीआईपी मोड वाला कैलकुलेटर कह सकते हैं। और दोस्तों इस फीचर को कुछ लोगों ने टेस्टिंग के रूप में प्लेसेस को एक्सेस किया है, लेकिन MIUI 11 अपडेट के बाद सभी डिवाइसेस के अंदर आपको फ्लोटिंग कैलकुलेटर मतलब कि पीआईपी मोड वाला कैलकुलेटर सभी डिवाइसेस को प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों धीरे धीरे करके Xiaomi कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड एप्लीकेशन में पीआईपी मोड वाला जो फीचर्स है अपने सभी फोन में प्रोवाइड करने वाली है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो की आपको मिल चुका है नोट्स के अंदर, जो की हल्का सा छोटा सा फीचर है। इसके पहले दोस्तों आपको नोट्स के अंदर सिर्फ नोट्स क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता था, जैसे की वॉइस नोट्स एंड डिजिटल नोट्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। लेकिन इस फीचर्स के बाद मतलब कि MIUI 11 अपडेट के बाद आपको टास्क का नया फीचर भी इसमें ऐड किया गया है, जिसके जरिए आप अपने फोन्स के अंदर पर रिमाइंडर्स या फिर टास्क या पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स है वीडियो वॉलपेपर का। मान के चलिए दोस्तों अगर आपके गैलरी के अंदर कौन सा भी एनिमेशन वाला वीडियो है या फिर कौन सा भी आपको एनिमेटेड वाला वीडियोस है जो कि आपको काफी पसंद आ चुका है, तो उस वीडियो का पासवर्ड यहाँ पर सेट एज ए वीडियो वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको उस वीडियो पर क्लिक कर देना, एंड वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाले 3 डॉट पर क्लिक करना है। नीचे आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेट एज ए वीडियो वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको सेट एज ए वीडियो वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। एंड सेट एज ए वीडियो वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, एंड अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद पूरे फोन के लिए आपको जो वीडियो वॉलपेपर है सेट हो जाता है। तो दोस्तों काफी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जो कि आपको सभी टेस्ट के Xiaomi के फोन्स को MIUI 11 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स, जो कि आपको मिल चुका है नेचुरल साउंड इफेक्ट्स, जो कि सबसे पहले आपको मिल जाएगा क्लॉक के अंदर, या फिर क्लॉक के अंदर नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन में। तो दोस्तों साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देख सकते जो यूए काफी बड़ा आपको नाइस आपको यूए प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद दोस्तों इवेंट्स या फिर नोटिफिकेशन एंड अलार्म नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको नेचुरल साउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए। तो सबसे पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद फिर आप आसानी से उसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर, जो कि आपको मिल चुका है गैलरी के अंदर। तो दोस्तों MIUI 11 अपडेट के बाद काफी आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल चुका है गैलरी के अंदर। तो सबसे पहले फीचर देख सकते हैं 2 मंथ व्यू, मतलब कि आपको 2 फिंगर से पिंच अप मतलब कि जूमिंग जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्काई कलर रिप्लेसमेंट, तो किसी भी आउटडोर फोटोज का आसानी से स्काई कलर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर्स के अंदर स्काई कलर का नया फिल्टर्स ऐड हो चुका है, जिसके जरिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्काई कलर्स है चेंजेस कर सकते हैं। और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्काई कलर इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है, एंड साथ ही में स्काई कलर जो ओपेसिटी उस ओपेसिटी को आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो MIUI 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद सभी टाइप्स के फोन के अंदर आपको स्काई कलर रिप्लेसमेंट का जो फीचर्स है सभी टाइप्स के फोन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मिल चुका है गैलरी के अंदर। आपको शेयर करने के बाद आपको मी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको क्रॉस शेयरिंग का फीचर्स है। उसके बाद आपको स्क्रीन कास्टिंग का भी फीचर्स का शॉर्टकट ऐड किया गया गैलरी के अंदर, जो कि आप आसानी से फोटोज वीडियो स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं स्मार्ट टीवी पर। एंड दोस्तों और एक फीचर है जो कि यार काफी शानदार फीचर्स है, प्रिंटिंग का। आप अपने फोन के जरिए किसी भी टाइप्स के वॉलपेपर्स फोटोज के ऊपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद। तो गैलरी के अंदर आपको प्रिंट आउट का नया फीचर ऐड हो चुका है, जिसके जरिए आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स करना, सेटिंग्स करने के बाद वायरलेस प्रिंटर कनेक्ट करने पर आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो काफी बड़ा शानदार फीचर्स ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर, जो कि यार काफी बड़ा हेल्पफुल फीचर्स है एंड काफी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जो कि है सिस्टम वाइड ऐप ड्रॉवर। और दोस्तों कुछ लोगों को फर्स्ट अपडेट मिलने के बाद ऐप ड्रॉवर का जो फीचर है देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर 3-4 अपडेट मिलने के बाद सभी फोन में आपको ऐप ड्रॉवर का फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको ऑफिशियली MIUI 11 का जो लॉन्चर है उस लॉन्चर में देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑफिशियली MIUI का ऐप ड्रॉवर है। और दोस्तों जो फीचर्स है कुछ डिवाइस के अंदर फर्स्ट अपडेट के बाद अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो आपको 2-3 अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। अपडेट के बाद आपको सभी डिवाइस के अंदर ऑफिशियल आपको ऐप ड्रॉवर का फीचर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इसको टेस्टिंग के रूप में यूज करना है, मतलब कि बस दो स्टेप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ऐप ड्रॉवर इन्वॉल्व करना है, तो मैं आपको ऊपर बैठे हुए वीडियो डाल दूंगा, उसको देखने के बाद आप आसानी से अपने Xiaomi के किसी भी डिवाइस के अंदर टेस्टिंग के रूप में ऐप ड्रॉवर इनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको MIUI का जो लॉन्चर है उस लॉन्चर में आपको स्टैंडर्ड मोड एंड ऐप ड्रॉवर का मोड दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स, जो कि आपको मिल चुका है MIUI के कैमरा में। और दोस्तों MIUI का जो कैमरा है उसके फंक्शंस उसके फीचर में काफी बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल चुके हैं। कुछ फंक्शंस यहाँ पर इधर उधर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल जाता है स्लो मोशंस, उसके बाद आपको मिल जाता है शॉर्ट वीडियोस, उसके बाद आपको मिल जाता है फोटो मोड से 48 मेगापिक्सल है तो 48 मेगापिक्सल का मोड से, और पोर्ट्रेट मोड में आपको जितना एपर चाहिए उतना एपर आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितना आपके यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर करना है उतना आसानी से मर्जी से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं।
एंड दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कर काफी बड़ा हेल्पफुल फीचर्स है शॉर्ट वीडियोस के अंदर। अगर आप यहाँ पर एक टिकटॉक लवर्स है तो टिकटॉक लवर्स के लिए जैसे आपको शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आपको टिकटॉक का नया सिंबल मतलब कि नया फीचर हो चुका है जिसके जरिए आसानी से यहाँ पर टिकटॉक के वीडियोस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप टिकटॉक लवर्स साथ ही दोस्तों कुछ शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करना पसंद करते हैं मतलब कि सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने के लिए काफी बड़े आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि रेगुलर मोड में जैसे आपको सुपर स्लो मोशन से रेगुलर मोड के साथ साथ फास्ट या फिर सुपर फास्ट स्पीड से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्यूटीफाई मोड है साथ ही दोस्तों और भी कुछ यहाँ पर फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं और भी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोस में आपको टिकटॉक जैसे मैजिक स्टिकर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियो जो कि फनी वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं सेल्फी कैमरा से तो काफी बड़े आपके ऊपर टिकटॉक जैसे मैजिक स्टिकर्स प्रोवाइड किए गए। तो जब आपको चाहिए वैसे आप आसानी से फ्रंट सेल्फी कैमरा से मैजिक स्टिकर्स यूज करके काफी आपको अच्छे यहाँ पर फनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फीचर्स आपको मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सभी टाइप्स के फीचर्स आपको इस कैमरे के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों बस यही थे कुछ MIUI 11 के टॉप फीचर्स जो कि यूनिक फीचर्स है जो कि सभी फोन्स के अंदर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।